सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आप कोई भी करियर अपडेट मिस ना कर सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई एक आज RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 2014 में एग्ज़ाम हुआ था RRB ग्रुप डी का, तो उसका आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर आया था, उसका कैसा सिलेबस था, तो उसी प्रकार से आप आज तैयारी कर सकें। ये दिल्ली रेलवे का 2014 का सॉल्व पेपर है, जो आपका 30/11/2014 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसको आप, ये पार्ट वन है, ये GS का है। इसके बाद मैं आपका लिए रीजनिंग का भी लाऊंगा, जिससे आप देख सकें कि रीजनिंग के भी कैसे सवाल आए थे और आपको कैसी तैयारी करनी है इन बचे हुए दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं केवल। देखिए यहाँ पर, यानी कि ये कंप्यूटर से आपका थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है चार, वायरस के, आइडेंटिटी के, थेफ्ट के, हैकर्स के या स्पैम के। तो ये जो ऊपर के ABC तीन उदाहरण हैं, ये तो आपके सिक्योरिटी के रिस्क के हैं, प्राइवेसी रिस्क के हैं। जो स्पैम होता है या ईमेल से आपका रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। तो देखते हैं यहाँ पर, निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। चार ऑप्शन है, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और हार्ड कॉपी। तो निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस इसमें देना है, एक सेट है पूरा। तो कंप्यूटर तो क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को आदेश देता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रिंटर। तो आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर का हार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं तीन क्वेश्चंस कंप्यूटर से हैं, यानी कि आपको थोड़ी कंप्यूटर के भी नॉलेज हो। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक पूरी सीरीज़ है कंप्यूटर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कि उस अफ्रीकी देश का नाम बताइए जहाँ नवंबर 2014 से निर्धारित राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि EVM का प्रयोग किया गया था। बेसिकली ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ लेनी है। मैंने लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर, अगस्त की करंट अफेयर का वीडियो और पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप देख लें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। और ये वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देखें, क्यों देखें, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले ALPN टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए, वहाँ पर देखा गया कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में रिपीट हुए। तो क्या, तो आगे भी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी, उसके लिए भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस भारतीय नौसेना पोत का नाम बताइए जिसे 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। तो आपको बताना है कौन सा, तो ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, INS चक्र अकुला और INS शार्दुल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, INS विक्रमादित्य, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस दल ने 9 मई 2014 को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय चुनाव जीता। ये सभी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड नेशनल फ्रीडम पार्टी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तेलंगाना भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। तो कब बना है, आपको डेट बताना है, 1 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, 3 जून 2014 को या 4 जून 2014 को। तो आप सभी जानते होंगे कब बना था तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना था, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। और अगर आपने अभी 7 तारीख का करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा, तो उसमें क्या है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वहाँ के राज्यपाल कौन है, ESL नरसिम्हन, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है और क्या है, विधानसभा को भंग कर दिया गया, जिससे एक नए तरीके से चुनाव किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 जून 2014 को इन्फोसिस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया, KV कामत, S गोपाल कृष्णन, विशाल सिक्का या UB प्रवीण राव। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका विशाल सिक्का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
राष्ट्र गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि, संविधान, आनंद मठ या ट्रेन टू पाकिस्तान? यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी जानते होंगे, आनंद मठ से लिया गया है। और किसको इसने लिखा? बंकिम चंद चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है, वंदे मातरम। नेक्स्ट लेते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, अहमदाबाद में या बॉन में? तो आपको बताना है कहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, तो न्यूयॉर्क में ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? चार ऑप्शन है, इस्लामिक बम, माई गाइड डाइड यंग, सॉरी माई गॉड डाइड यंग, ए सुटेबल बॉय, लुक बैक इन एंगर। तो कौन सा? ए सुटेबल बॉय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओपिनियन पोल का नाम बताइए जिसने हाल ही में संपन्न साधारण चुनावों में सबसे नज़दीकी चुनाव परिणाम का अनुमान व्यक्त किया था। तो यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं, तो इसमें बताना है कि News24 चाणक्य, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना है कि News24 चाणक्य। और आपको इसी तरीके से अभी आगे की जो होने वाले एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी वाले, उसके लिए तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन और दक्षिण की तरफ। तो किस कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला में भेजा गया था, वहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और आर सी दत्त। तो किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, इनका यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बी सी डी है, चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में कपास का जो उत्पादन अधिक होता है, तो पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। देखिए आपका आपके यहां जो ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आ गया है यहां पर, तो निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, किशनगंगा, गंगा, वैनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करने पर सही क्रम है, यानी कि आपको इनको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले आपका किशनगंगा, फिर गंगा, फिर आता है नंबर वैनगंगा का और पेनगंगा का, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चार ऑप्शन है, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना। तो कौन सी यहाँ पर है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुगल राजसी घराने की एक महिला ने लिखा था? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा और बादशाहनामा। तो किसने लिखा था उसमें, कौन सी बुक है वो? तो हुमायूंनामा है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। ऑप्शन ए बुध और शुक्र, बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल और शुक्र, और ऑप्शन डी शुक्र और शनि। तो आपको बताना है पृथ्वी के दोनों तरफ, यानी कि मंगल और शुक्र, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आप याद रखें, अगर याद रखना है तो पहले आता है कौन सा? बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आपका पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है आपका, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मंगल सॉरी बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्लूटो आपका ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह में आता है ये आपका, इसको इसलिए बाहर कर दिया गया है, 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ये आपका अभी जो RRP ALB एंड टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए थे इसमें से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन है PNB, सेंट्रल बैंक, SBI, HDFC। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, SBI, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या गुड़गांव में? तो
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। आप सभी जानते हैं मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है भारत की। नेक्स्ट लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रक्त में बिलरूबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो क्या बढ़ा देता है, कौन सा रोग हो जाता है जब बिलरूबिन का स्तर जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है? मलेरिया, कैंसर, तपेदिक या पीलिया। तो जब पीलिया हो जाता है यानी कि ज्वाइंडिस हो जाता है, तो क्या है, जो कोशिकाएँ हैं वो रक्त से बिलरूबिन लेना बंद कर देती हैं, जिससे क्या है, रक्त में बिलरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि आपका शरीर पीला पड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, जब कोशिकाएं बिलरूबिन लेना बंद कर देंगी तो पीलिया हो जाएगा। यही पीलिया के लक्षण है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2015 में विश्व कप क्रिकेट की किस देश या किन देशों द्वारा मेजबानी की गई? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज या भारत या और पाकिस्तान। तो किस देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2014 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप यहां पर जान लीजिए जानकारी के लिए। तो किसने जीता था? आर अश्विन ने जीता था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ पाया था? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो कहाँ पर पाया था परिनिर्वाण? कुशीनगर में पाया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, सांची में, वैशाली में या वाराणसी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पावापुरी में। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है? भानु अथैया, ए आर रहमान, रसूल पुकट्टिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भानु अथैया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ए के हंगल, अमिताभ बच्चन, आलोक नाथ या दादा साहब फाल्के। तो इनके नाम पर एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया, तो किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वग्राही से फिल इन द ब्लैंक भरना है, बायो से रिलेटेड है, रक्त रक्त प्रसंस्करण से रिलेटेड क्वेश्चन से आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी आपको टॉपिक मिल जाएंगे बायो के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सर्वग्राही से रक्त प्राप्त कर सकते हैं केवल ग्रुप ए बी, कुल केवल ग्रुप ओ, ग्रुप ए ए बी, ग्रुप ओ ए बी ए बी। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? केवल ग्रुप ए बी, यानी कि सर्वग्राही ए बी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एनीमोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्फिग्मोमैनोमीटर। तो किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा आपको जो आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। उस महादेश का नाम बताइए जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस नहीं गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस ओजोन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15 अक्टूबर 2014 की तिथि के अनुसार भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं है? तो कौन है? श्री पीयूष गोयल। 2014 की बात की गई यहाँ पर, और अभी पीयूष गोयल क्या हैं आपके? रेलवे मंत्री हैं, यानी और इन्होंने अभी कुछ दिनों तक अरुण जेटली जी की जगह पर वित्त मंत्रालय का भी पदभार संभाला था, लेकिन अब अरुण जेटली जी आ गए हैं तो अब उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15 अक्टूबर 2014 की तिथि के अनुसार भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री है? या ये फिर आपका मंत्रालय से पूछा गया है, तो कौन है इसमें, कौन सा सही होगा? श्री थावर चंद्र गहलोत। इसलिए आप इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ जरूर से पढ़ लें। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप प्रमुख नियुक्तियों से अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट लेते हैं। रानी की वाव जो कि 11वीं शताब्दी की सीढ़ी नुमा कुआं है, जिसे विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के किस जिले में स्थित है? पाटन, मेहसाणा, बानसकंठ या साबरकंठ। तो कहाँ स्थित है आपको बताना है? कहाँ? पाटन में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। गरिसेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम या मणिपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नागालैंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। कैंसर एक बीमारी है जिसमें हम पाते हैं अनियंत्रित
कोश का विभाजन, कोश का फुलाव, कोश का जलन या कोश का विकृति। तो क्या हुआ, कोश का विभाजन, अनियंत्रित कोश का विभाजन हो जाता है, जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या होता है, इसमें व्हाइट ब्लड की संख्या बहुत बढ़ने लगती है, अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। तो क्या इसको हम ब्लड कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर की बता दूँ मैं। तो यहाँ पर सिंपल कैंसर की बात की गई तो अनियंत्रित सेल डिवीजन से वो भी होता है, और अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो क्या है, जब अनियंत्रित तरीके से जब व्हाइट ब्लड का विभाजन होने लगता है, जब ज़्यादा बढ़ने लगती है संख्या, तो उसको ब्लड कैंसर कहा जाता है, और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। यहाँ पर जो सामान्य कैंसर उसको ल्यूकेमिया नहीं, जो ब्लड कैंसर में होता है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। कन्फ्यूज मत हो, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है क्या, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म या ग्लूकोमा या कैटरैक्ट, यानी कि निकट दृष्टिदोष, अबिंदुकता या शबल बाह या मोतियाबिंद। तो कौन होगा, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, ऑप्शन ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP कहाँ स्थित है, डिग्बोयशम, मुंबई महाराष्ट्र, अंकलेशन गुजरात या देहरादून उत्तराखंड। तो कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून उत्तराखंड में आपका स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हीरा, अग्निकार, पेट्रोकेमिकल या खेल की वस्तुओं के लिए। तो किसके लिए आपका फेमस है ये पंजाब में जालंधर, खेल की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, किस राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना को प्रारंभ किया गया है तो कब प्रारंभ किया गया, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी, या किस लिए प्रारंभ किया गया है, लाभदायक नियोजन हेतु, SHG के सहयोग के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, कृषि आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, सूखे एवं बाढ़ से सामना करने के लिए। तो क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, लाभदायक नियोजन हेतु SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित BKS आयंगर की मृत्यु 2014 में हुई, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो किस क्षेत्र से, योग से जुड़े थे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है, 256 KBPS, 512 KBPS, 1 GBPS या 2 GBPS। तो कितनी है, 512 KBPS, ऑप्शन बी आपका सही होगा। करंट अफेयर को पढ़ना आप बिल्कुल भी मिस मत करें, उसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली, मुंबई से दिल्ली, कोलकाता से पटना, दिल्ली से आगरा या बोरी बंदर से ठाणे। तो किसके मध्य चली आपकी, बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चली, ऑप्शन डी आपका सही होगा। कब चली, 1853 में। नेक्स्ट लेते हैं, पारासैनिक बल कौन सा है या पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है, असम राइफल्स, सिख लाइट इन्फेंट्री, द गढ़वाल राइफल्स या गोरखा राइफल्स। तो कौन है, असम राइफल्स, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या निक्षेपण। तो क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, वेपर थर्मामीटर, एनर्जी मीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर को उच्च तापमापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, H2O को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए व बी दोनों या जल। तो आप सभी जानते हो कि H2O, अलग अलग तो इनको नाम देना नहीं है, सब ये एक ही पूरा रूप है। तो क्या इसको जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, फ्लोरीन, लेड, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो थोड़ा आप केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लें, खास करके पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो आपका इसमें ALP का जो रुझान देखने को मिला है, तो उसमें केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पूरी संभावना है कि आगे भी कुछ उसमें परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं,
UIDAI का तात्पर्य है, ये आप सभी आपको पता होना चाहिए ये फुल फॉर्म कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंडिया या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, मशहूर चीनी यात्री वेन सांग की भारत यात्रा की यादगार कहाँ स्थित है, गया, राजगीर, पावापुरी या नालंदा। तो कहाँ, नालंदा में स्थित है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय आया था और क्या है, इसने नालंदा में पहले अध्ययन किया, फिर वहीं पर अध्यापन किया, यानी पहले वहीं पर पढ़ा और फिर वहीं पर पढ़ाया। नेक्स्ट लेते हैं, किस महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश रखा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले इसी से रिलेटेड एक हैशटैग बहुत फेमस हुआ था, हैशटैग मी टू, जो कि मेनका गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एकल विंडो थी यहाँ पर, अपना खुद का बताना है कि आपको भी क्या कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न के लिए यौन उत्पीड़न आपका किया गया है। तो हैशटैग मी टू का यूज़ थोड़े दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। नेक्स्ट लेते हैं, सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की बॉम्बे यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस या एलिफेंटा गुफाएं। तो कौन सा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, यानी सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की बॉम्बे यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्मारक बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, दिल्ली के बाद भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एवं द्वीप या अंडमान एवं निकोबार। तो कौन है, पुदुचेरी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, अगली बैठक की कोई निर्दिष्ट तिथि तय किए बिना सदन की बैठक को समाप्त करने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, प्रोरोगेशन, उन्मार्जन या प्रश्नकाल। तो क्या कहा जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, किस देश में फीफा विश्व कप 2018 खेला जाएगा, यानी अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही खेला गया। आप देख सकते हैं 2014 का एग्ज़ाम है और 2018 में का एक क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ खेला जाएगा, फिर इसलिए करंट अफेयर बिल्कुल ही मिस मत करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि अगला जो आपका फीफा होने वाला है या 2022 का या 2026 का कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो अभी बात करते हैं प्रश्न की, तो क्या पूछा गया 2018 का कहाँ खेला जाएगा, तो आप सभी जानते हैं रूस में खेला गया 2018 का फीफा। अब बात कर लें यहाँ पर कि 2022 का तो कहाँ, कतर में खेला जाएगा 2022 का, और 2026 का आपका उत्तर अमेरिका यानी कि कनाडा और यूएसए और मैक्सिको इसका आयोजन करेंगे। तो 2022 का आप जान लिया कतर में, और 2026 का उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट लेते हैं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोस्टा रिका और जमैका। तो किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो कार्यकाल है कब संभाला, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कब संभाला, डेट बतानी है यहाँ पर आपको, 26 मई 2014। ये उस समय का बहुत ही चर्चित टॉपिक था, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया। इसलिए आप भी जो चर्चित टॉपिक रहे उनको याद रखें और करंट अफेयर को बिल्कुल भी मिस मत करें। तो यहाँ पर क्या है, 26 मई 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बजट संबोधन 2014-15 में घोषित अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बढ़ोतरी का कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है, तो किसके नाम पर रखा गया, ये अभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी भी ये योजना चल रही है। तो किसके नाम पर रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता द्वारा की जाती, संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है, सभी जानते होंगे आप, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन, आप सभी जानते होंगे लोकसभा का स्पीकर करता है, उसकी अध्यक्षता संयुक्त संसदीय सत्रों की। नेक्स्ट लेते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी यानी कि स्थायी सदस्य हैं, गैर स्थायी सदस्य हैं जो कि परमानेंट नहीं है, तो 10, 12, 15, 8। तो कितने, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है, तो क्या है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। तो आप सभी जानते होंगे 25 वर्ष, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता द्वारा की जाती, किसके द्वारा की जाती, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं,
सर्गासो सागर किस महासागर में पाया जाता है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो किस में पाया जाता है? सर्गासो सागर आपका अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के रूप में पालन किया जाता है, यानी किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, निरामिष दिवस, शहीद दिवस या सांप्रदायिक सद्भावना दिवस? तो क्या शहीद, सॉरी अहिंसा दिवस, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब जो जब गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी यानी कि 30 जनवरी को, तो उसको किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्टियर डे के रूप में उसको से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भगत सिंह और बी के दत्त ने फिल इन द ब्लैंक्स के विरोध में विधानसभा में बम फेंका, यानी किसके विरोध में इन्होंने बम फेंका था विधानसभा में? यहाँ पर ऑप्शन है लोक सुरक्षा विधेयक के गमन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड या शामन कमीशन की विजिट? तो किसमें? लोक सुरक्षा विधेयक के गमन के विरोध में इन्होंने बम फेंका था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन है मकाऊ, बीजिंग, हांगकांग और संघाई। तो कहाँ? संघाई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला महीने में लगाया जाता है, तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस महीने में लगाया जाता है? आपका जनवरी, दिसंबर, फरवरी या मार्च? तो किस में? फरवरी में आपका लगाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, सबसे बड़ा पशु मेला स्थान सोलपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर? तो ऑप्शन सी आपका, और बिहार में लगता है सोनपुर का पशु मेला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि जीएस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। आपने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रुप जीएस से क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमें बताएं, लाइक करें इसको। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या और भी आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सजेशन बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।